दोस्तों स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करंट अफेयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पेचीदा सेक्शन माना जाता है। ये ऐसा विषय है जिसकी तैयारी आपको हर दिन करनी पड़ती है और इसे नियमित रूप से रिवाइज भी करना पड़ता है। लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी बनाकर करंट अफेयर्स की तैयारी की जाए तो आप ना सिर्फ इसे मुश्किल सेक्शन को आसानी से क्लियर कर लेंगे बल्कि एग्जाम में इसकी मदद से अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स का क्या महत्व है और क्या है डेली बेसिस पर इसे कवर करने का सही तरीका। करंट अफेयर्स यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य दोनों में पूछे गए लगभग 40% प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि प्रश्न भले ही अर्थशास्त्र या भूगोल या पर्यावरण जैसे विषयों से हों लेकिन उनमें भी समसामयिक विषयों की छाप दिखती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परीक्षा में लगभग 80% सवाल किसी न किसी रूप से करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आईएएस परीक्षा के लिए वर्तमान मामलों को कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी के नजरिए से करंट अफेयर्स को समझना पड़ेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में काफी स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं का उल्लेख है जिसे हम करंट अफेयर्स या समसामयिकी के रूप से समझते हैं। आयोग ने परीक्षा में वर्तमान मामलों को बहुत ही कुशलता से शामिल किया है लेकिन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के पाठ्यक्रम में इस भाग को परिभाषित नहीं किया गया है। वर्तमान मामलों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाता है और ये प्रमुख विषय जैसे एक भूगोल, नीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ओवरलैप करते हैं। इस तरह से हम ये समझते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए किस विशिष्ट विषय के तहत प्रश्नों की वर्गीकृत करना कठिन है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले टॉपिक सरकार के पहलुओं, नीतियों, भारत की नीतियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं जैसे कि पूर्व की ओर देखो यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, गैर प्रसार संधि NPT, वासेनार व्यवस्था, स्टार्ट संधि, राइट्स इश्यू, सोशल सेक्टर की पहल यानी कि सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सरकार द्वारा उठाए गए अच्छे उपाय इत्यादि। देखने में ये भले ही बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे हों लेकिन अगर इसका क्रमबद्ध ढंग से समाधान किया जाए तो इस तनाव से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत है दैनिक समाचार पत्र, लेकिन समाचार पत्र क्रेडिबल और तथ्यात्मक होना चाहिए। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिन्हें आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। शुरुआत में आपको इन्हें पढ़ना इतना दिलचस्प नहीं लगेगा क्योंकि आम तौर पर हम सनसनीखेज खबरों को ही पढ़ना चाहते हैं। हालांकि धीरे धीरे आपको इन्हें पढ़ने की आदत विकसित हो जाएगी। किसी भी समाचार को कवर करते समय केवल करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि मुद्दे का भी अध्ययन करें। उदाहरण के तौर पर हाल ही में कैबिनेट ने बालिकाओं के विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए भारत में बाल विवाह के मुद्दे के बारे में पढ़ें, ऐसा क्यों किया जाता है एवं भारत में ये कहाँ प्रचलित है एंड ऑल दैट। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पढ़ें।
किसी भी करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप नीचे दिए गए नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स नोट्स तैयार करने के लिए इंटरनेट एक और भरोसेमंद स्रोत साबित हुआ है। आप किसी भी संबंधित वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जुटाने से बचना चाहिए। इंटरनेट एक दोधारी तलवार एवं आपको सही जानकारी प्राप्त करने हेतु इसे सही दिशा में घुमाना आवश्यक है। आज लगभग प्रत्येक जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार वेबसाइट का चयन करना आपकी ही जिम्मेदारी है। प्रभात एग्जाम्स का YouTube चैनल और वेबसाइट एक ऐसा ही भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जहां आपको करंट अफेयर्स और इवेंट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी। वेल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।